बिजनेस में रवि के पैसे देने हैं तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, तो हमारी लाइबिलिटी है बच्चे 5000 की। ठीक है, 5000। उसके बाद नरेशन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। आगे चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट मशीनरी फॉर कैश, क्या परचेज किया, मशीनरी 8000। बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹8000। मशीनरी परचेज किया बच्चे, गुड्स नहीं लिखा तो इसका मतलब ये असेट परचेज किया है। तो बताओ बिजनेस में आएगी क्या मशीनरी, जाएगा क्या कैश, तो क्या चीज आ रही है, मशीनरी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, आगे मशीनरी, कितने की मशीनरी परचेज की है, 8। बताओ बिजनेस से जाएगा क्या कैश, तो टू कैश अकाउंट। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्क गोज आउट। तो आपको एंट्री डिलीट करने आ रही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 8000 परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। उसके बाद बच्चे अब लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, पेड रेंट। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट, पेड रेंट ₹400। अब बताओ बच्चे क्या पे किया है, रेंट। बताओ रेंट पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है मेरा। और आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज बी डेबिटेड, सारे खर्चे और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। तो बताओ रेंट पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और मेरे एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट। तो मैं रेंट को डेबिट करूंगी क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 400। अब बताओ बिजनेस से चला क्या जाएगा, एक्सपेंस मैं पे करूंगी, बिजनेस से जाएगा क्या, कैश। एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जाने वाली चीज क्रेडिट, तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट 400। पेड रेंट, और उसके बाद बच्चे ये सब फिनिश है। फिनिश कैसे करते हैं आप, ठीक है, फिनिश कैसे करेंगे, आपकी जो भी चल रहा है उसके बाद आपने इसका यहां पे लिखना होता है टोटल। ठीक है, इस पूरे पेज का टोटल यहां लिख देना और इस पूरे पेज का टोटल यहां लिख देना। ठीक है, और आपको पता है जिस अमाउंट से डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट हुआ है। पूरे पेज का टोटल करना है यहां पे, जैसे ये 88000, 8000, 7500, 5000, 8000 और 400। जो भी टोटल आपका यहां पे आता है यहां लिख देना, यहां भी लिख देना, आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने जनरल के जो रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान से करना है। ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, कहेगा रिकॉर्ड इन जनरल विद डबल एंट्री सिस्टम। तो दो अफेक्ट सोचो कि क्या चीज बिजनेस में आ रही है और दूसरा अफेक्ट क्या आएगा, और अमेरिकन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्रोच फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, इस लेक्चर में अभी ये करा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भेजते हैं।